दोस्तों क्रम ना हो कि मैं ही बच जाता हूँ। तो कह रहा हूँ तू एक दो सहेली अपनी और रख ले अपने साथ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, कैसे हो सब लोग। तो हमारी कन्या भोज की हो गई है तैयारी, ये बन गए छोले, ये हलवा बन रहा है, ये इसमें हम मेवा कूट रहे हैं, चावल बनेंगे, खीर बनेगी और उसके बाद हम कन्या भोज कराएंगे। तो किस किस की कन्या भोज हो चुका है? हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट हो गया, अभी बज रहे हैं 7 बज रहे हैं ना। हाँ ज्यादा टाइम नहीं है अभी, ऐसा हुआ था सुबह बेचारी अलार्म लगा के सोती है, मैं अलार्म कोई बजता ही नहीं है, वो तो दोस्तों क्रम ना हो कि मैं ही बज जाता हूँ जो बज बज के से जगा देता हूँ। ऐसे नहीं बोलो। हाँ ऐसे क्यों नहीं बोलूं, मैंने बना तो लिया, हाल देखो कितनी 7 बजे तक तैयारी कर ली और उसके बाद हम कन्या भोज कराएंगे। आप देखना हमारा कम कन्या भोज कैसे कराते हैं और किसके यहाँ कन्या भोज पे ना बाहर का खाना कौन कौन खिलाता है और घर का कौन कौन खिलाता है ये भी कमेंट करके बताना। सही बात है, बहुत से लोग खिलाते। मैंने तो यही सोचा था कि लेट होगा दही जलेबी मंगाऊं खिलाऊं। जी मैंने सोची ज्यादा ज्ञान दूंगा तो फिर गुस्सा करेगी, अगर मैं ना बोलो सही रहे नहीं बोले। मैंने छोले रात में तैयारी करके रख दी थी, कौन खाता कौन खाता का तुम खाती और कौन खाएगा, तुम ही खाओगी। नहीं अब बन गया आलू एकदम, हाँ हाँ स्वादिष्ट आलू, जल्दी से भोग लगाओ माता रानी को और जल्दी से बुलाओ कन्याओं को। बस बुला रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब जैसे ही कन्या आएंगी तो फिर दिखा देना उनको। हाँ, और बढ़िया तरीके से भोग, एक शानदार ब्लॉग बनेगा अपना, केवल खुशियों में खुशियों में। यार अंजलि कब होगा तुम्हारा कन्या पूजन, ये तो बता दो। अच्छा और अग्यारी भी नहीं लगाई तुमने अभी तक। बाबू यार मैं अभी अकेली हूँ, कर देते हो कुछ? तो मैं कह तो मैं मना कब कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू एक दो सहेली अपनी और रख ले अपने साथ। हाँ अंजलि ऐसा ही कोई बात पूजा की तैयारी पूरी होती हुई और अंजलि जी करेंगी अब पूजा, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है मैं पहले कर चुका हूँ अपने भोलेनाथ की, बिल्कुल मैंने तैयार करके सब कुछ दे दिया है। जल ला दो, देखो देखो बैठने नहीं देगी बिल्कुल भी। पूजा पाठ करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी कन्याओं को तिलक लगाया और बालों में उनके तेल लगाया, मावर लगाई, सब कुछ लगाने के बाद, उनका पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद हमने उनको खाना खिलाया। तो कितना अच्छा लगता है, कहते हैं ना जो लोग बोलते हैं ना कि हाय तुम्हारी बेटी हुई है, वो भी नवरात्रे के दिन कन्याएँ ढूँढते हैं। तो वही तो जब हमारे यहाँ कन्याएँ आती है ना, इतनी खुशी होती है कि हाँ हमारी मैया हमसे प्रसन्न है, हमसे खुश है इसलिए। और सबसे अच्छी बात, हमने जितनी कन्याओं को न्योता दिया था उनसे ज़्यादा हमारे यहाँ कन्याएं आई, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद हमने सबको तिलक विलक कर दिया, तिलक वंदन सबको एक एक करके कर रहे हैं, वंदन वगैरह। और उसके बाद हम बच्चों से बातें भी करते जा रहे हैं कि तुम कन्या हो, क्योंकि कुछ लोग ना बिल्कुल लड़कों की तरह लग रहे थे लेकिन वो कन्या थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़के हैं। छोटे पे ना बाल मम्मी पापा कटा देते, मेरे भी बहुत कट देते, मेरे भी छोटे छोटे बाल कट दिए जाते, पता ही नहीं चलता था मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। तो उसी तरीके से इनके साथ हुआ, मैंने कहा तुम लोग कन्या हो सच बताओ कि हाँ हम कन्या हैं। फिर उसके बाद आरती आरती करने के बाद हमने उनको भोजन करा दिया, भोजन का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन हमने भोजन वोजन कराने के बाद फिर उनको गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स में हमने उनको पेंसिल किट पूरी दी, जिसमें पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर सब कुछ था, और केला दिया, बिस्किट दिए। और सब कुछ देने के बाद बच्चे बड़े खुश हुए, हमने सबको गिफ्ट वगैरह करने के बाद हमने कन्याओं को विदा किया। और जब विदा किया तो हमने बोला माँ बस इतना आशीर्वाद बनाए रखना कि हर साल आप हमारे यहाँ कन्या भोज करने आती रहो और हमारे घर पर आशीर्वाद आप बनाती रहो। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट